तो आज से हम मार्वल की एक बिल्कुल ही नई कॉमिक स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं और इस कॉमिक सीरीज का नाम है कॉस्मिक किंग थॉर, जो कि पब्लिश हुई थी साल 2020 के अंदर। मार्वल कॉमिक्स के अंदर कॉस्मिक किंग थॉर हमारे थंडर गॉड थॉर का एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म है। इतना ज्यादा पावरफुल फॉर्म कि अगर रून किंग थॉर, ओल्ड किंग थॉर और फीनिक्स किंग थॉर को छोड़ दिया जाए तो फिर ये कॉस्मिक किंग थॉर ही थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है और इस पूरी कॉमिक सीरीज के अंदर हम इसी थॉर को देखेंगे। इसके साथ ही इस कॉमिक सीरीज का जो मेन विलन है वो है ब्लैक विंटर, और अगर आप मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हैं तो आप सबको ये पता होगा कि ये ब्लैक विंटर मार्वल का एक ऐसा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि एक ही बार में पूरे के पूरे यूनिवर्स और इवन रियलिटी को भी कंज्यूम कर लेता है। और इस बार ये ब्लैक विंटर हमारे मेन मार्वल यूनिवर्स को कंज्यूम करने निकला है, लेकिन उसके रास्ते में खड़ा है थॉर। तो वही, अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस कमाल की कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम इसके पहले पार्ट को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आप इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड है ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आ जाए तो इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है म्योनिर, थंडर गॉड थॉर का ऑलमाइटी हैमर, जो कि अभी नाइलरियाम से होते हुए सीधा एसगार्ड की तरफ बढ़ रहा है। म्योनिर ये सब थॉर के इशारे पर कर रहा है, क्योंकि थॉर अब ऑल फादर ओडिन के जाने के बाद एसगार्ड का नया किंग है, और वो अपने हैमर के जरिए सभी रियाम्स को ये संदेश दे रहा है कि वो अब सभी रियाम्स का ऑल फादर है, और इसीलिए उसके राज में हर तरफ सिर्फ शांति होनी चाहिए। इसके बाद म्योनिर सभी रियासतों से होता हुआ सीधा एसगार्ड के अंदर थॉर के हाथों में पहुंच जाता है, जहां पर थॉर म्योनिर को अपने हाथों में पकड़कर अपनी वाइफ लेडी सिफ से कहता है, तुमने देखा सिफ, मेरे पूरे साम्राज्य में हर तरफ शांति है और मैं इस शांति को हमेशा ऐसे ही बरकरार रखूंगा, इनके ऊपर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। इसके बाद थॉर रेनबो ब्रिज से होते हुए सीधा अपनी राजगद्दी की तरफ बढ़ता है। लेकिन जब थॉर अपनी राजगद्दी पर पहुंचता है तब हम ये देखते हैं कि वहां पर कोई चमचमाता सिंहासन नहीं बल्कि एक मामूली सी कुर्सी है जो कि बनी है लकड़ से। असल में एसगार्ड की ये हालत इसीलिए हुई है क्योंकि अभी से कुछ टाइम पहले मार्वल के अंदर वॉर ऑफ रियाम्स नाम का एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, और उसी इवेंट के अंदर एसगार्ड की ये हालत हो गई थी। लेकिन थॉर ने कभी भी हार नहीं मानी और उसने अपने होम प्लेनेट एसगार्ड को एक बार फिर से एक नए सिरे से शुरू किया। थॉर सीधा अपनी राजगद्दी को देखता है और फिर उसके पास जाकर वो उस पर बैठ जाता है। थॉर की एक कुर्सी ठीक एक पेड़ के नीचे थी, और वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री था। थॉर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने हैमर को नीचे जमीन पर रखता है और खुद किसी सोच में डूब जाता है। लेकिन तभी थॉर को एक आवाज आती है, जो आवाज थॉर से कहती है, तो पिताजी की जगह पर बैठकर कैसा लग रहा है मेरे भाई। और ये बात सुनकर जैसे ही थॉर सामने देखता है वैसे ही उसे पता लगता है कि उसके सामने लोकी खड़ा है, और लोकी को देखकर थॉर उसे जवाब देता है, पता नहीं, मैं नहीं जानता मेरे भाई। आगे लोकी थॉर से कहता है, तुम अब एसगार्ड के नए राजा हो थॉर, और आज के दिन एसगार्ड की पूरी प्रजा तुम्हारे मुंह से तुम्हारा पहला स्पीच सुनेगी। इसके बाद थॉर अपने थ्रोन से खड़ा होकर सामने की तरफ बढ़ता है और वहां से चलकर सीधा अपने महल के छत पर आ जाता है, जहां पर आने के बाद हम ये देखते हैं कि थॉर के सामने नीचे एसगार्ड की सारी प्रजा होती है और ऊपर थॉर के बगल में उसके दो रेवंस होते हैं, ठीक वैसे रेवंस जैसे रेवंस ओडिन के पास थे। एसगार्ड की पूरी प्रजा आज के दिन अपने नए राजा को सुनना चाहती थी, लेकिन एसगार्ड का नया राजा थॉर राजा बनने के बाद भी मानो जैसे वो खुश ही नहीं था। थॉर सोच रहा था कि वो अपने पिता जैसा नहीं है, उसके पिता ओडिन एक महान राजा थे, 9 रियासतों के ऑल फादर थे, और मैं ओडिन का बेटा अपने पिता जितना महान नहीं हूँ, इसीलिए शायद मैं राजा बनने लायक भी नहीं हूँ। इसके बाद थॉर अपनी प्रजा से बात करना शुरू करता है, लेकिन थॉर के मुंह से कोई शब्द निकल पाता कि उससे पहले ही एसगार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी को एक ऐसी आवाज आती है कि मानो उनके कान के बगल में कोई बम फट गया हो। और फिर इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख मिटाने वाला गैलेक्टस आसमान से आकर सीधा एसगार्ड की जमीन पर आ गिरा है। गैलेक्टस बिल्कुल थॉर के सामने ही आकर गिरा था, और गैलेक्टस के गिरने से आसपास का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हर तरफ आग की लपटें, तबाही और रोते बिलखते लोग थे। ये देखकर एसगार्ड के राजा थॉर के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, और इसीलिए वो अपने हैमर को अपने हाथ में लेकर सीधा गैलेक्टस को मारने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ा। थॉर के वहाँ से उछलते ही गैलेक्टस के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरी, और उसी थंडर का देवता थॉर गैलेक्टस की तरफ बढ़ते हुए जोर से चिल्लाया, गैलेक्टस तुम्हारी ये हिम्मत। लेकिन फिर थॉर गैलेक्टस पर हमला करता कि उससे पहले ही गैलेक्टस बिल्कुल जख्मी हालत में थॉर से कहता है, रुक जाओ थॉर, एसगार्ड के राजा प्लीज रुक जाओ, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ तुम ही इकलौते हो जो कि उससे लड़ने में मेरी मदद कर सकता है। वो बहुत ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो किसी बीमारी से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ से भी वो गुजरता है वो पूरी जगह बर्बाद हो जाती है।
वो सब कुछ मिटा देता है और अब वो यहाँ आ रहा है। वो आ रहा है, द ग्रेट ब्लैक विंटर आ रहा है। और फिर ये सब बोलने के बाद ही गैलेक्टस वहीं पर बेहोश हो जाता है। गैलेक्टस की आंखें बंद हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस बड़े हादसे की वजह से एस्गार्ड के अंदर कई लोग मर चुके थे और इसीलिए बचे हुए लोग अपने राजा को मदद के लिए बुला रहे थे। लेकिन थॉर जो कि गैलेक्टस के सामने था, वो गैलेक्टस की बातें सुनने के बाद से ही एक गहरी सोच में था। उसे ना तो और कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते एस्गार्ड के ऊपर हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और वहाँ पर कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश होने लगती है और वो बारिश कई हफ्तों तक होती रहती है। इसके बाद हम सभी थॉर को देखते हैं जो कि एक मीटिंग टेबल के ऊपर गैलेक्टस के सारे हेराल्ड्स को बुलाकर उनके साथ मीटिंग कर रहा होता है। ये सारे गैलेक्टस के हेराल्ड्स थे, बिल्कुल ही सिल्वर सर्फर की तरह। यहाँ पर थॉर इन सब के सामने चिल्लाता है और अपने एक हाथ को टेबल पर पटकते हुए उन सभी से पूछता है, आखिर है कौन ये ब्लैक विंटर? बताओ कौन है वो जिसका डर मैंने गैलेक्टस की आंखों में देखा था। लेकिन फिर इसके अगले पल सिल्वर सर्फर एक दीवार से आर पार होकर उस कमरे के अंदर आता है और थॉर को ये जवाब देता है, ये अंत है थॉर, हमारा अंत, हम सब का अंत। इसके आगे सिल्वर सर्फर सभी से कहता है, तुम सब गैलेक्टस के बारे में क्या जानते हो? बताओ क्या जाना है तुमने उसके बारे में? ये सुनकर उन सभी में से एक हेराल्ड जवाब देता है, मैं जानता हूँ, गैलेक्टस का नाम गैलन था और वो पिछले यूनिवर्स के अंदर एक मामूली सा एक्सप्लोरर था। लेकिन उसके पूरे यूनिवर्स को एक अजीब सी एंटिटी ने निगल लिया और वो इकलौता था जो कि उन सब में बच पाया था। लेकिन हाँ, गैलन के अलावा उसके पूरे यूनिवर्स से और कोई भी नहीं बच पाया क्योंकि उस अनजान से एंटिटी ने सब कुछ खत्म कर दिया। पर यह सुनते ही सिल्वर सर्फर उन्हें जवाब देता है, वो एंटिटी अनजान नहीं था, बल्कि वो था द ब्लैक विंटर। उसने पहले भी दुनियाओं को खत्म किया है, वो कई सारे यूनिवर्सेस को पहले भी मिटा चुका है और इस बार हमारा यूनिवर्स भी इसी तरह उसके हाथों खत्म हो जाएगा। पर यहीं पर थॉर सिल्वर सर्फर की बात को रोकते हुए उससे कहता है कि उसे रोकने का कोई तो तरीका होगा। लेकिन सिल्वर सर्फर जवाब देता है, नहीं थॉर, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, उसकी शक्ति हम सबसे ऊपर है। बस यूं समझ लो कि वो ताकत हम सबकी सोच से भी परे है, क्योंकि जिस तरह से गैलेक्टस प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है, ठीक उसी तरह से ये ब्लैक विंटर यूनिवर्स और रियलिटीज को कंज्यूम करता है। गैलेक्टस की किस्मत अच्छी थी जो पिछली बार वो उससे बच गया, पर इस बार उसका सामना फिर से ब्लैक विंटर से हुआ था। लेकिन उस टकरार ने गैलेक्टस का क्या हाल कर दिया, ये तुम अपनी आंखों से देख चुके हो थॉर, और इसीलिए ब्लैक विंटर को कोई नहीं रोक सकता। हम उसे ना ही खत्म कर सकते हैं और ना ही उसे हरा सकते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है सिर्फ उसका वक्त जाया करना, पर ये काम भी सिर्फ गैलेक्टस के बस का है। हम सब में सिर्फ वही इतना शक्तिशाली है कि वो ब्लैक विंटर के सामने खड़ा हो सकता है और इस तरह से हम अपनी दुनिया को थोड़ा और समय दे पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद सिल्वर सर्फर अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करता है और उस कमरे के अंदर सभी लोगों को कुछ प्लैनेट्स की झलक दिखाता है और वो थॉर को बताता है कि ये हमारे यूनिवर्स के वो प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर अपार शक्तियां हैं। इनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो गैलेक्टस की भूख को पूरी तरह से शांत कर सकते हैं और गैलेक्टस के अंदर नई शक्तियां भर सकते हैं। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने इन प्लैनेट्स को बिल्कुल ऐसी किसी सिचुएशन के लिए बचा कर रखा था। पर यह सुनकर गैलेक्टस के दूसरे हेराल्ड्स कहते हैं कि गैलेक्टस तो इस वक्त पर यहीं एस्गार्ड पर है और इन प्लैनेट्स को कंज्यूम करने के लिए गैलेक्टस को वहां पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे, गैलेक्टस को वहां तक लेकर कौन जाएगा? पर यह सुनते ही सिल्वर सर्फर कहता है कि मैं उसे वहां पर ले जाऊंगा क्योंकि ये काम मेरा ही है। पर यह सुनते ही थॉर उससे कहता है, और तुम इस काम में अकेले नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर तभी थॉर के पीछे एक जोरदार बिजली चमकती है। इसके बाद थॉर तैयार होता है और फिर अगले पल हम ये देखते हैं कि थंडर गॉड थॉर उसकी पूरी एस्गार्डियन वॉरियर्स की आर्मी और गैलेक्टस के सारे हेराल्ड्स अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और वो सभी सीधा गैलेक्टस के पास पहुंच चुके थे। इधर गैलेक्टस धीरे धीरे से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, पर अभी उसकी हालत बहुत बुरी थी। थॉर गैलेक्टस के सामने आकर जोर से चिल्लाता है और गैलेक्टस से कहता है, गैलेक्टस इस लड़ाई की अगुवाई मैं कर रहा हूँ, मैं ओडिन का बेटा, तूफान का देवता और इस पूरे एस्गार्ड का राजा, तुम झुको मेरे आगे, मेरे सामने झुको गैलेक्टस। और फिर थॉर की बात खत्म होते ही गैलेक्टस अपना सर झुकाकर थंडर गॉड थॉर के सामने झुकता है, जो देखकर सिल्वर सर्फर भी काफी हैरान रह जाता है। सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के पास आता है और वो उससे कहता है, मास्टर मैं आपको महसूस कर सकता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी किस हालत में हैं। मास्टर क्या आप हमारे प्लान के बारे में जानते हैं? ये सुनते ही गैलेक्टस कहता है, हाँ सर्फर मैं जानता हूँ, लेकिन इस बात से मुझे बहुत हैरानी है सर्फर कि तुम एनर्जी से भरे उन सारे प्लैनेट्स को मुझसे अब तक दूर कैसे रख पाए, उन सबकी लोकेशन को तुमने मेरे दिमाग से दूर कैसे रखा। पर सिल्वर सर्फर जवाब देते हुए कहता है, अभी इन बातों के लिए समय नहीं है मास्टर, एस्गार्ड के राजा थॉर इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और इसीलिए अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन गैलेक्टस जोर से कहता है, नहीं। जो सुनकर सिल्वर सर्फर कहता है, नहीं लेकिन क्यों मास्टर? पर फिर गैलेक्टस कहता है, इस तरह से नहीं। और फिर गैलेक्टस थॉर के ऊपर अपनी कॉस्मिक पावर्स छोड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर एक जोरदार रोशनी चमकती है और वो सारी कॉस्मिक पावर सीधा टकराती है थॉर से जाकर।
लेकिन फिर जब वो रोशनी हटती है तब हम ये देखते हैं कि गैलेक्टस ने अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करके थॉर को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया है और इसीलिए अब कॉस्मिक पावर्स को पाकर थॉर बन चुका है कॉस्मिक किंग थॉर। ब्लैक विंटर का सामना करने की वजह से गैलेक्टस अब बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसका एक हाथ उसके शरीर से कट चुका था और वो अपने पैरों के ऊपर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और इसीलिए वो ये जानता था कि इस पूरी लड़ाई में अगर उसका कोई साथ दे सकता है तो वो है थॉर और इसीलिए उसने अपनी कॉस्मिक पावर्स थॉर को दी है। इन सब के बाद गैलेक्टस थॉर और उसकी पूरी आर्मी वहां से सीधा उन्हीं प्लैनेट्स की ओर निकल जाते हैं जिन प्लैनेट्स को सिल्वर सर्फर ने गैलेक्टस के लिए बचा कर रखा था। यहां पर टोटल ऐसे 5 प्लैनेट्स होते हैं पर उन्हीं में से एक प्लैनेट के ऊपर लाइफ होती है, वहां अब भी जीव रहते हैं और इसीलिए उन प्लैनेट्स के पास पहुंचकर थॉर गैलेक्टस से कहता है कि तुम इन पांचों में से सिर्फ 4 ही प्लैनेट्स को कंज्यूम कर सकते हो और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन सब में से एक प्लैनेट के ऊपर अभी भी लाइफ जिंदा है और मैं तुम्हारी भूख मिटाने के लिए किसी की जान नहीं लेने दूंगा, इसीलिए उस प्लैनेट के ऊपर जो लाइफ है वो ऐसे ही बरकरार बनी रहेगी। पर गैलेक्टस थॉर को जवाब देता है, तुम शायद ये भूल गए हो थंडर गॉड कि इस पूरे प्लैनेट और ब्लैक विंटर के बीच सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जो सिर्फ उसे कुछ टाइम तक रोक सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी हालत देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं इस हालत में उसके सामने खड़ा भी हो पाऊंगा? नहीं तूफान के देवता, बिल्कुल नहीं, और इसीलिए मुझे इन पांचों प्लैनेट्स की एनर्जी चाहिए क्योंकि उसके बाद ही मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। पर यह सुनने के बाद भी थॉर उसे मना कर देता है और वो उससे कहता है कि ब्लैक विंटर और यूनिवर्स के बीच तुम खड़े हो लेकिन तुम्हारे और इस प्लैनेट के बीच मैं खड़ा हूँ, इसीलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम इस प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकते, मैं तुम्हें इस जगह को बर्बाद करने नहीं दूंगा। पर इन बातों की वजह से गैलेक्टस और कॉस्मिक किंग थॉर के बीच में दरार आ जाती है और इसीलिए गैलेक्टस थॉर के ऊपर एक जोरदार हमला करता है जिस वजह से थॉर नीचे जमीन पर जाकर टकरा जाता है, लेकिन अगले पल थॉर अपने पैरों पर खड़ा होता है और वो सीधा गैलेक्टस की ओर देखता है। गैलेक्टस थॉर से कहता है, थंडर गॉड तुम ये भूल रहे हो कि जो शक्तियाँ अभी तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें मैंने दी है और अगर मैं तुम्हें शक्तियाँ दे सकता हूँ तो तुमसे छीन भी सकता हूँ, तुम मेरे सामने बहुत कमजोर हो थंडर गॉड। पर यहाँ पर गैलेक्टस की बात पूरी होने से पहले ही थॉर अपने म्यूनिट को उठाकर गैलेक्टस की तरफ जोर से फेंकता है और थॉर का म्यूनिट सीधा गैलेक्टस के हाथों में छेद करता हुआ बाहर निकल जाता है और गैलेक्टस को जख्मी कर देता है और फिर देखते ही देखते म्यूनिट इसी तरह से गैलेक्टस के और भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमला करता है। थॉर गैलेक्टस से कहता है, शायद तुम ये भूल रहे हो गैलेक्टस कि मैं एस्गार्ड का राजा हूँ, 9 रियासतों का ऑल फादर हूँ और इसीलिए मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे तुम जैसों का ऑर्डर मानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ही थॉर अपनी वाइफ सिफ को आवाज लगाता है और वो सिफ से कहता है कि वो जल्दी से बायफ्रॉस्ट को खोल दे ताकि वो इस प्लैनेट के सभी लोगों की जान बचा सके। अगले पल वहाँ पर बायफ्रॉस्ट खुल जाता है और थॉर उस प्लैनेट के सभी लोगों को वहाँ से सीधा एस्गार्ड के अंदर टेलीपोर्ट कर देता है और फिर थॉर अपने रेवंस के जरिए वॉल्स्टैक से कहता है कि जब तक वो एस्गार्ड से बाहर है तब तक वो पूरे एस्गार्ड की जिम्मेदारी वॉल्स्टैक को सौंपता है और ये जो मेहमान उसने भेजे हैं वॉल्स्टैक को उनकी भी हिफाजत करनी है। ये सुनता ही वॉल्स्टैक थॉर से कहता है, जो आ गया मेरे महाराज। पर आगे वॉल्स्टैक थॉर से कहता है, लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है, यहाँ पर वर्ल्ड्री मर रहा है, वो धीरे धीरे मरता जा रहा है। लेकिन इधर थॉर के सामने गैलेक्टस ने प्लैनेट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे करके पूरे प्लैनेट की पावर को कंज्यूम करता जा रहा था और ये चीज गैलेक्टस को धीरे धीरे और ज्यादा शक्तिशाली बनाती जा रही थी। देखते ही देखते गैलेक्टस उस पूरे प्लैनेट की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और फिर इसके बाद ही वो उस पूरे प्लैनेट को ब्लास्ट करके उड़ा देता है। पर ये देखकर थॉर जोर से चिल्लाता है और वो कहता है, गैलेक्टस नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस प्लैनेट की सिर्फ एनर्जी को कंज्यूम करोगे, इस प्लैनेट को बर्बाद नहीं करोगे, देखो तुमने सब बर्बाद कर दिया है, अब इस प्लैनेट के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे वो सब। पर ये सब सुनकर गैलेक्टस थॉर से कहता है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए, मैं अब और भी ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करूंगा और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम भी मरोगे। और फिर ये बोलते गैलेक्टस थॉर के ऊपर हमला करने के लिए अपने हाथ को सामने लाता है, लेकिन फिर तभी गैलेक्टस के ऊपर एक जोरदार हमला होता है और वो हमला इतना पावरफुल होता है कि उस हमले से गैलेक्टस भी काफी जख्मी हो जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि वो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि बीटा रे बिल ने किया है और बीटा रे बिल यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी के साथ आया है। यहाँ पर आते बीटा रे बिल थॉर से कहता है, थॉर मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि अभी मुझे और मेरे लोगों को सिर्फ इससे बदला लेना है, हमें बदला लेना है इस गैलेक्टस से और इसीलिए अभी तुम यहाँ से दूरी रहो। और इसी तरह से ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो कॉस्मिक किंग थॉर कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और आप इस कॉमिक सीरीज के अगले पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड है ये आप मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताइए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं, तो लाइक्स और कमेंट्स करते रहिए और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए। बाकी तब तक के लिए अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी
कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने मार्वल की कई सारी कमाल की कॉमिक्स को एक्सप्लेन कर रखा है और उन सभी को अपने चैनल के ऊपर अपलोड भी कर रखा है और उन्हीं में से कुछ कमाल की कॉमिक के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर हमारे चैनल में जाकर भी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी कॉमिक सीरीज आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।